और अब मैं करूंगा गेट की तैयारी। कॉलेज में ही एक लड़की से मिलने का मौका मिला। अच्छा उस वक्त क्या हुआ, मेरे कुछ दोस्तों ने मेरा साथ छोड़ दिया, 987 व्हाट्सएप चैट्स होती है। तो खोला यूट्यूब चैनल, वीडियो बनाई पूरे समर ब्रेक में, दोस्तों को उठ के पढ़ रहा हूँ, रात उठ के पढ़ रहा हूँ। यार एक्चुअली ना मैं वीडियो के अंदर बोलना भूल जाता हूँ कि सब्सक्राइब करो, तो प्लीज़ वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर कर जाओ। और नीचे मैंने एक कम्युनिटी का लिंक दे रखा है, कॉलेज के बच्चे जस्ट गो एंड ज्वाइन दैट कम्युनिटी, यू विल फाइंड मोस्ट ऑफ द लाइकली माइंडेड पीपल देयर एंड एक्सपर्टाइज इन देयर डोमेन। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑल आर गेट एक्सपीरियंट्स, स्वागत है आपका फोर्थ पॉडकास्ट में हमारी गेट सीरीज के। टुडे वी आर हैविंग अमोल सिंह, लेट्स स्टार्ट आवर न्यू पॉडकास्ट। हाँ जी, तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज अमोल एंड करंटली मैं अभी रिसेंटली पास आउट हुआ एनएसआईटी से। एनएसआईटी अपना दिल्ली में कॉलेज है। आई एम 2022 पास आउट फ्रॉम एनएसआईटी और करंटली मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जॉब कर रहा हूँ। दिस इज ऑल अबाउट मी। क्या क्या चल रहा है अभी आपका? अभी हम रिसेंटली कॉलेज से पास आउट हुए हैं तो पता लगा है कि रियल दुनिया क्या होती है ना। कॉलेज में तो मतलब रियल दुनिया नहीं चलती है, ये बाहर आके चलती है। जब आपको 5 दिन काम करना पड़ता है, कभी कभी तो 6 दिन भी, और फिर रिपीट करना पड़ता है। और कब तक रिपीट करना, जब तक आप इस दुनिया में धरती पे रह रहे हो, है ना। कॉलेज में ऐसा नहीं था, तो रियल लाइफ से परिचय हुआ मेरा कॉलेज से निकलने के बाद। ये चल अगर रहा आप है। अपनी कॉलेज लाइफ बताना चाहो तो उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? हाँ, तो मेरी कॉलेज लाइफ ना काफी अच्छी रही है। हमने काफी वेंचर्स करे कॉलेज में, मैं और मेरे दोस्तों ने मिलकर। तो काफी कुछ, मेजोरिटी फेल हुए बट कुछ सक्सेस भी हुए, है ना। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, तो मैं शेयर करता हूँ तुम्हारे साथ, ठीक है। तो मैं नोएडा में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ। बॉर्न तो मैं सहारनपुर का हूँ, पर ब्रॉट अप मैं नोएडा में हूँ। मैं एलकेजी से नोएडा वाले स्कूल में पढ़ा हूँ। एलकेजी टू ट्वेल्थ मैंने एक ही स्कूल से करी है, दैट इज एफसी कॉन्वेंट स्कूल नोएडा। सेक्टर 34 में था ये, सेक्टर 33 नोएडा में है ये। और फिर उसके बाद मैं एनएसआईटी पढ़ने गया, बीटेक करने गया, है ना। अब हर बच्चे की तरह एस्पिरेंट तो ये रहता है कि आईआईटी में पढ़ना है, तो पेरेंट्स 11th 12th में कोचिंग एडमिशन भी करवा दिया। बीएमसी में भी था मैं, तो तब मतलब इतना नहीं था कि एक प्रॉब्लम, मतलब तब बच्चा होता है इंसान, है ना। आई वाज 16 इयर्स ओल्ड, तो इतना कुछ आइडिया नहीं था, तो ठीक है। बट मेरा हमेशा से एक हैबिट रही है कि मुझे ना अगर कुछ करना है तो मैं करके रहता हूँ, फिर उसको उससे निकल लेता हूँ, फिर उसके आगे निकल लेता हूँ। फिर मैं 0 भी ला सकता हूँ, है ना। अगर नंबर के टर्म्स बात करें तो फेल भी हो सकता हूँ, पर अगर करना होता तो कर देता हूँ। मैं एग्जाम्पल देता हूँ एक, जब मैं वीएमसी में भी था, कोचिंग में था अपनी 11th में, 16 साल का था मैं, तो मैं एनरोल हुआ वहाँ पे। तो सबसे पहला जो टेस्ट हुआ वहाँ पे, तो मेरे 355 नंबर आए थे। और वो क्यों आए थे कि मैंने बहुत पढ़ाई करी थी कि मुझे ना रेगुलर बैच में एडमिशन मिला है, मुझे एक्सट्रीम बैच में जाना है। एक्सट्रीम बैच वॉज लाइक अबव रेगुलर बैच। तो पूरा कोचिंग सेंटर नोएडा सेंटर में था मैं, बीएमसी के जो आई गए सेक्टर 4 में, आई गए सेक्टर 5 या 4 में नोएडा में, है ना। तो ठीक है, तो आए तो काफी कोचिंग सेंटर पूरा हिल गया कि भाई 355 नंबर बच्चे ले आए, है ना। पहली बार हुआ एक्सट्रीम में, तो कोई नहीं लाता, इसका एक सवाल गलत है सिर्फ, है ना। तो मैं एक्सट्रीम बैच प्रमोट हो गया फिर। तो फिर मेरा उससे इंटरेस्ट हट गया था कि मुझे लग रहा था कि मैंने आईआईटी क्रैक कर लिया एक एग्जाम से, जो कि कुछ भी नहीं था, है ना। उसके 11th के 2 चैप्टर आए हुए थे उसमें, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथमेटिक्स के। तो मुझे लग रहा था भाई हो गया सब कुछ, अब कुछ और मूव ऑन करते हैं। तो मैंने 11th 12th को इतना सीरियसली नहीं पढ़ाई करा, मैं ज्यादा कर सकता था पर नहीं करा, ठीक है। रिजल्टिंग की रैंक मतलब डिसेंट, डिसेंट नहीं कहेंगे, अच्छी नहीं थी। तो मतलब अगर मैं चाहता तो आईआईटी में एडमिशन लेने का ड्रीम पूरा कर सकता था, बट दैट टू लोअर ब्रांचेस, तो उसका कोई फायदा नहीं है यार तुम्हें, है ना। मतलब तुम बस रिश्तेदारों में तारीफ पाओगे अपनी, है ना, पर अगर तुम बाहर निकलोगे तो फिर वही इशू है, एमटेक करने क्या करें, अब नौकरी नहीं लगेगी, है ना, प्रॉब्लम हो जाएगी। टैग लग जाएगा आईआईटी का। हाँ, टैग लग जाएगा, पर प्रॉब्लम है। तो मतलब डिस्कशन हुआ है ना, पहले मैं एनआईटी जालंधर जा रहा था, ठीक है। मेरा एनआईटी जालंधर में एडमिशन हो गया था। तो पापा के, ये भी फनी इंसिडेंट है, पापा के एक फ्रेंड आते हैं, वो पंजाब से हैं। तो पापा के फ्रेंड ने बोला बेटे को जालंधर तो बिल्कुल मत भेजना ना, वो तो मतलब ना नशे वशे ड्रग्स वग रैकेट चलता है वहां, तो भेजी मत देना जब कोई ब्रांच मिले। तो एनएसआईटी और एनआईटी जालंधर के बीच में घूम रहा था। तो आईआईटी तो छोड़ दिया था कि वहां लेना नहीं है ना, मतलब वहां प्रॉब्लम हो जाएगी, वहां लेना नहीं है, छोड़ दिया था। तो एनआईटी जालंधर जा रहा था, बिल्कुल सब रेडी था, वो अंकल आया तो सीन पलटा और आई वॉज इन टू एनएसआईटी डायरेक्ट, एनआईटी जालंधर छोड़ के, ठीक है। तो एनएसआईटी में एंट्री हुई फर्स्ट ईयर में, है ना। तो मैं नोएडा में रहता हूँ और एनएसआईटी द्वारका में, मतलब नोएडा दिल्ली पास पास है, पर दोनों अलग एंड्स पे हैं। द्वारका बिल्कुल लास्ट अपना सिटी मान लो, सिटी नहीं कहेंगे, लास्ट एरिया मान लो दिल्ली का, बिल्कुल बॉर्डर पे गुड़गांव वाले। तो मेरा घर 55 से 60 किलोमीटर है एनएसआईटी से। तो मैं हॉस्टल बना, ठीक है, फर्स्ट ईयर सेमेस्टर हॉस्टल में गए। तो वहां जाके ना एक दोबारा शौक लग गया 11th 12th वाला, जो 11th 12th में लगा हुआ था ना कि अब कुछ करना है, दोबारा वही सीन हो गया भाई, अजबान निकाली, अच्छे कॉलेज में नहीं गया, मतलब प्रीमियम इंस्टीट्यूट में, अच्छा कॉलेज है एनएसआईटी, आई एम नॉट सेइंग, मैं बहुत बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ एनएसआईटी की, बट वही है कि पढ़ाई किसी और चीज की करी थी। अब तुम कितना बोल लो कि, पर तुम्हें सेकेंडरी सक्सेस मिली है, पर प्राइमरी तो नहीं मिली। प्राइमरी तो तुम आईआईटी की तैयारी कर रहे थे, वो तो तुम्हें नहीं मिली, बट तुम्हें सेकेंडरी मिली है।
तो ठीक है, वो मैं खुश था, पर एक ढूंढूं था कि सीजी पे लाके दिखाएंगे वो 11th 12th वाला, जैसे 355 नंबर वाला आए थे ना, सीजी पे लाके दिखाएंगे। तो वो लगता है पढ़ाई कर रहे हैं, लाइब्रेरी में 8-8 बजे तक किसी से बात नहीं कर रहे फर्स्ट सेमेस्टर में। बेसिकली मैं बताऊंगा बच्चों को दोस्ती करनी चाहिए, तुम्हें मिलना जुलना चाहिए, पर नहीं कर रहे। मैं किसी इंटरेक्शन नहीं कर रहा हूँ, अपने रूममेट से बात नहीं कर रहा हूँ, सुबह उठ के पढ़ रहा हूँ, रात उठ के पढ़ रहा हूँ। मैं पागल की तरह है ना, अब लग पीछे मुड़ के देखते हैं ना, हंसी आती है, क्यों कर रहे थे, फायदा नहीं था। तो उसका रिजल्ट मेरा सेम 9 पॉइंटर आ गया पहले सेमेस्टर में। ठीक है, फिर वही रिपीट हुई, हिस्ट्री रिपीट करती है अपने आपको, है ना, काफी सीखा कॉलेज में ना, हिस्ट्री रिपीट हुई। सेकंड सेमेस्टर में काफी पढ़ाई कम कर दी, कर रहे थे सोचते रूम में, इस बार हम हॉस्टल के रूम में बैठ के पढ़ाई कर रहे थे। अब लाइब्रेरी आना छोड़ दिया था हमने, अब दोस्तों के साथ बुक लेके पढ़ रहे थे हम और मजे भी कर रहे थे। तो रिजल्ट ये रहा कि मेरी सेकंड सेमेस्टर में सारी सीजीपी आई थी, अपनी सेकंड सेमेस्टर में सीजीपी आई थी 8.33। तो गिरी अच्छा सीजीपी पर, इतनी भी नहीं गिरी कि दुख हो जाए, थोड़ी सी तो कम है यार, 8.5 मान लो, 8.5 आई है ना। तो ठीक है, फिर हमारा फर्स्ट ईयर का, फर्स्ट ईयर मेरा इतना ही था, मैंने पढ़ाई करी बेसिकली, और सोसाइटीज में थोड़ा एनरोल हुआ। हमारे कॉलेज में सोसाइटी थी प्रयास, द नेबरहुड प्रोजेक्ट, उसमें वो क्या करती है, गरीब बच्चों को पढ़ाती थी फ्री में और उनका टेक केयर भी करती थी, इवेंट्स कराती थी। तो मैं उसमें एनरोल हो गया, बच्चों को पढ़ा रहा था 5 से 7 शाम को रोज, गरीब बच्चों को, और अपनी पढ़ाई कर रहा था। फर्स्ट ईयर मेरा ऐसा निकल गया, और हॉस्टल में मस्ती हो रही थी, आई वॉज इन डबल रूम शेयरिंग रूम, तो हॉस्टल में मस्तियाँ हो जाती थी। तो फर्स्ट ईयर के हम समर ब्रेक में घर पे आए वापस, तो मैं जहाँ से आता हूँ ना, हमारे कॉलेज में एक सीनियर है अमन हत्तरवाल करके, तो उनसे मैं अच्छा मिला कॉलेज में, उनसे मिलने का मौका मिला। मतलब वो तब फोर्थ ईयर में थे, हम फर्स्ट ईयर में आए थे, तो उनसे मिले एक दिन, हाथ हाथ मिलाया उनसे, मतलब उनसे पूछा, तो वो बोल रहे थे हाँ कुछ नया करो, मतलब मैंने भी करा है अपनी सब कुछ छोड़ के करा है। तो हमें भी लगा, मुझे लगा, मेरे दोस्तों को तो नहीं लगा ऑब्वियसली, मुझे लगा कि हम भी कुछ करेंगे। तो हम घर आए तो ब्रेक में तो वीडियो बनानी शुरू करी, यूट्यूब चैनल खोला कि कुछ करेंगे अब, अच्छा पैसा कमा पैसे, उसमें उस टाइम में पैसा कमाने का बहुत शौक होता है, आपके पास पैसे हाँ नहीं, आपको दिख रहा होता है मम्मी पापा के पास पैसे हैं तो ये मजा कर रहे हैं, पर आपके पास नहीं है, तो आपको लगता है कि पैसा किसी तरह आ जाएगा तो मैं भी मजा करूंगा, पढ़ाई कौन करता है, पैसे कमाते हैं पढ़ाई से क्या होता है ना, ये थॉट था, बड़े गलत थॉट है वो, था ना, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, पढ़ाई पे पूरा, पढ़ाई इक्वली इंपॉर्टेंट है पैसे के, पैसे तो ऊपर ही है पढ़ाई, है ना। तो खोला यूट्यूब चैनल, वीडियो बनाई पूरे समर ब्रेक में, 2.5 महीने का ब्रेक होता है, वीडियो मतलब वीडियो कंटेंट बनाया, रैंडम स्टफ, हाउ टू डाउनलोड मूवी फॉर अ फ्री, है ना, मूवी रिव्यू करे, हर कैटेगरी ट्राई करी, मूवी रिव्यू करे अच्छा कि उस टाइम एक मूवी आई थी Super 30 2019 हाँ है ना, Super 30 का रिव्यू करा, Super 30 कैसी थी, है ना, 2-3 म्यूजिक वीडियो डाली, गिटार बजे सीख रहा था उस वक्त मैं, गिटार की वीडियो डाली, स्विमिंग सीखता था उस वक्त, स्विमिंग की मतलब देखा कि कैसे, मतलब ऐसे रैंडम स्टफ, डीट्यूबर से एनएफआईटी डाल दिया, है ना। तो मतलब उस पे वही है, अच्छा तो मेरी एक वीडियो थी, आई गेस IGDTW है, गर्ल्स कॉलेज है दिल्ली में, उसकी हाँ वीडियो थी ऑल अबाउट IGDTW, तो उस पर मेरे 4,000-5,000 व्यूज आ गए, एक 19 साल या 18 साल के लड़के के 4-5 हजार व्यूज आ गए, तो वो खुश हो गया, उसको लगा कि सब अचीव हो गया, फिर सिर्फ वही मतलब बचपन होता है ना यार, वो कुछ हाँ नहीं। तो मैंने और वीडियोस बनाई तो उस पर आ रहे हैं 1,000 व्यूज आ रहे हैं, 2,000 आ रहे हैं किसी पे, फिर मतलब एक डाउन आता है, हर चीज में एक डाउन आता है फिर अप जाता है, तो फिर वो आगे 50 व्यूज आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं, मतलब है ना, तो कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, कंसिस्टेंसी इज द की, वो मैं नहीं रहा। फिर कॉलेज खुल गए, कॉलेज खुलने का मम्मी को पता लग गया कि बेटा वीडियो बना रहा है, मम्मी ने भी देख ली 2-3 वीडियो उस पे, है ना। तो यूट्यूब पेरेंट्स को पे रहता है, पेरेंट्स को रहता है कि हमने एनएसआईटी में करवाया एडमिशन, कोचिंग के पैसे दिए हैं, बच्चा ब्राइट था, 11th 12th में अच्छी परसेंटेज थी, है ना, 10 में 10 CGPA थी, है ना। तो अभी यूट्यूब वीडियो बना रहा है, मम्मी ने बोला भाई यूट्यूब वीडियो बनाना छोड़ दे, बकवास की बातें हैं, पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान दे, इंजीनियरिंग वजीनियरिंग कर, बेकार बातें बंद कर दे इसको, है ना, वो कहते हैं ना, वो आजकल स्टार्टअप सेशन चल रहा है, बर्बाद हो जाएगा बंद कर दे, है ना, बर्बाद हो जाएगा बंद कर दे, एक मम्मी ने। तो मैंने मम्मी की बात नहीं मानी, हॉस्टल चले गए हम थर्ड सेमेस्टर में दोबारा, तो हम तो वहाँ भी वीडियो, अब मैं सिंगल रूम में आ गया सेकंड ईयर में, हमने वहाँ भी अच्छा वीडियो कंटिन्यू रखी, बोर्ड बोर्ड लगाया रूम पे, अच्छा था कि कुछ करेंगे, है ना। अच्छा मैंने मजे की बात, वो वीडियो आज तक डिलीट नहीं करी है, तुम्हें जो भी देख रहा है मेरी वीडियो वो जाके देख सकता है कि मैं कैसे बनाता था, ठीक है, सारी आई विल मैं, ड्रॉप अप द लिंक। हाँ 30 से 35 वीडियो, देखो प्रमोशन तो तुम मत करना आ रहा मेरा कि मैं ऐसे कोई कंटेंट क्रिएटर तो नहीं, तो लिंक डाल दो कि इनका यूट्यूब चैनल लिया है जैसे लोग डाल देते हैं, नहीं, मगर हिस्ट्री 35 देखी जाएगी। 30 से 35 वीडियो बनाई थी, तुम आज भी देख सकते हो अमोल सिंह सर्च करके, तुम्हें मिल जाएंगी, तो मैंने बनाई थी। तो थर्ड सेमेस्टर भी कंटिन्यू करा मैंने, है ना, 3-4 महीने, अक्टूबर 2019 था वो, हाँ अक्टूबर 2019 मैंने कंटिन्यू करा, पढ़ाई बिल्कुल नहीं करी थर्ड सेमेस्टर, बिल्कुल भी नहीं छुई, अच्छा सब्जेक्ट भी मैकेनिकल के आ गए थे थोड़े, मतलब थोड़े मिक्स हो हाँ गए, मजा नहीं आ रहा था बिल्कुल पढ़ाई में, बिल्कुल मन नहीं लग रहा था, क्लास भी नहीं जा रहे थे, है ना, क्लास में भी बातें कर रहे थे, सोच रहे थे क्या कर सकते हैं लाइफ में, क्या स्टार्टअप बना सकते हैं। तो रिजल्टिंग मेरी सीजीपीए और गिरी थर्ड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर मेरा पॉइंट रहा है 7.55। अब हिट हुआ, इस बार हिट हुआ, इस बार हिट हुआ कि भाई 987 की, भाई इस बार हिट हुआ कि अब तो भाई प्रॉब्लम हो गई है, 9 से 7.55 आ गए, लोगों को उम्मीद भी है, और मैं सीआर भी था अपनी क्लास का, है ना, तो सब मेरे से पूछते थे, मतलब मैं थोड़ा एक्टिव रहता था, सीआर था, तो ठीक है हिट हुआ इस बार। तो मैंने कर दिया यूट्यूब बंद कि भाई यूट्यूब व्यूज तो आ रहे, पैसे भी नहीं आए जेब में, 1 भी रुपया नहीं आया, है ना, नहीं आएगा 1 भी रुपया, असिस्टेंट तो हो नहीं, 200-300 तुम्हारे व्यूज आ रहे हैं, कैसे आएंगे पैसे, तो नहीं आया। तो भाई एक 20 साल या 19 साल का था मैं, 19 साल के बच्चे ने यूट्यूब बंद कर दिया क्योंकि उसमें 1 भी रुपये नहीं कमाया, और वो 3 महीने से वीडियो बना रहा था, पर वो ये भूल गया कि 1-2 साल लगते हैं 1 रुपये कमाने में, 3-4 महीने में कुछ नहीं होता है। ठीक है बंद कर दिया तो बच्चे ने। अब वो फोर्थ सेमेस्टर में आया, अब पढ़ाई करनी है भाई, सीजीपी थोड़ी इंप्रूव करनी है इस बार, और स्टार्टअप बनाना है, अब स्टार्टअप का दिमाग चल गया कि अब स्टार्टअप बनाना है, यूट्यूब वीडियो सब बकवास नहीं।
तो मेरा एक दोस्त था, आज भी है, वो बिहार से बिलोंग करता है, हॉस्टल ही था वो भी, उसका नाम है श्रेय श्रीकांत। तो वो उस टाइम ना स्टैंड अप कर रहा था, तो मैं भी उसके 2-3 बार स्टैंड अप में गया कि वो स्टैंड अप करता था, ओपन माइक कहते हैं, ओपन माइक करता था। तो मैं यहाँ पे उसके बैठ के ओपन माइक सुनता था, तो मुझे लगा कि ये बंदा अच्छा है, इसको ना पकड़ के ना कुछ बिजनेस आइडिया बनाते हैं, और इंटरटेनमेंट की दुनिया काफी चलती है, चाहे तुम वो ले लो, मूवी ले लो, एक्टिंग ले लो, थिएटर ले लो, या फिर कॉमेडी भी बहुत चल रही है ना, काफी अच्छी चल रही है। तो मैंने बोला इस पर कुछ काम करते हैं यार शिवेश भाई, तो मैं इसके रूम में जाता था रोज, हम ना ऐसे करते थे, पेपर पे बैठे, पेपर लेके बैठे कि इतना 20 रुपए आएंगे, 100 लोग आएंगे, 2 लाख रुपए बन गए, 30 लोग आएंगे, 200 आएंगे, तो ऐसे कैलकुलेशन करके हमने अपनी रेवेन्यू 10 लाख का जनरेट कर लिया एक महीने में, है ना, बहुत कुछ हो गए पेपर पे, पेपर पे कितना रेवेन्यू आ जाएगा, अच्छा भाई पढ़ाई छोड़ देंगे, इंजीनियरिंग क्या करनी, पढ़ाई में लग नहीं रहा था। तो उसने बोला ठीक है करते हैं, वो भी मतलब अच्छा वो है, मतलब उसने बोला ठीक है करते हैं, हमने स्टार्ट करी शेक। अब कॉलेज में ना एक इनक्यूबेटर होता है, वो स्टार्टअप्स को प्रमोट करता है, हमारे कॉलेज में भी था, तो हम वहां पहुंच गए जनवरी फरवरी 2020 में, वहां पहुंच गए, दिस इज प्री कोविड, कोविड आने वाला था, फरवरी 2020 में कोविड आया था, तो हम जनवरी में पहुंच गए वहां पे, आइडिया लेके हमने पिच करने, पिच 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 करेंगे, तब शार्क टैंक क्वेश्चन था, इंडिया में पता नहीं था कि पिच इतनी बड़ी चीज होती है, हम पहुंच गए पिच करने, वहां पे कमेटी बैठी है, बोल रहे करो पिच, हमने पिच करा, सर इतना टिकटिंग रखेंगे, इतना करेंगे, उनको हमने समझा दिया, बैलेंस शीट बना के ले गए थे कि सर हम 10 लाख रुपए 10 लाख रुपए कमा लेंगे। महीने के 10 लाख रुपए बना सकते हैं, आप हमें फंड कर दो, हम फंडिंग लेने गए थे, हमें पैसे चाहिए था, किसी भी हालत में फंडिंग मिलती है हमें। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने वो हमें रियलिटी दिखाई कि ये तो बहुत कम है बेटा, ये तो कुछ नहीं है, तुम्हारा घर भी नहीं चलेगा, तुम चार पार्टनर हो, हम चार थे, दो श्रेयस मैं और हमने 2 क्लास के बच्चों को और लिया था जो हमारे साथ काम कर सके। अच्छा तो उन्होंने बोला नहीं हो, तो उन्होंने बाहर भेज दिया, तो हम मैं बाहर जाते जाते बड़ा था, सर एक बार ट्राई करके देखते हैं, सर अच्छा लगेगा, तो उन्होंने बोला ठीक है, वहाँ पे सर अच्छे, तो उन्होंने बोला कि तुम क्या करो बेटा, तुम ना इसको ऑन ग्राउंड करके दिखाओ हमें, जो तुम्हारा आइडिया है ना NSIT का ऑडिटोरियम यूज करो, और इसको ऑन ग्राउंड हमें करके दिखाओ, तो हम खुश, हम सर करके दिखा देंगे आपको, कमा के दिखा देंगे, 5-6 हजार रुपए तो कमा लेंगे पहले शो से। तो उन्होंने हमें स्पेस ऑडिट करके दे दिया, तो दे हमने दिया स्पेस उन्होंने आपको। दे दिया और माइक वाइक सब दे दिया, इक्विपमेंट दे दिया कि करके दिखाओ। वाह कूल। तो हमने रख लिया मार्च 2020, आई गेस 14-13 तारीख रख ली कि इसमें हमारा पहला शो होगा। ठीक है। ठीक है, उससे पहले 5 मार्च 4 मार्च को खबर आती है कि 21 डेज के लिए लॉकडाउन लगाया जा रहा है लॉकडाउन लगता है। कंटिन्यू, और कुछ भी एक्टिविटी नहीं होगी, सब सस्पेंड कर दिया जाए, ये मार्च 2020 की खबर है। तो अब हम बड़े दुखी, क्या करें हम, तो तब मैं, मेरे सारे दोस्त आ रहे हैं, पर मैं बड़ा कॉन्फिडेंट कि भाई करके रहेंगे, भाई मेरे भाई 355 नंबर आ रखे हैं, मैंने 9th GPA ला रखी, मैं तो करके रहूंगा, है ना, कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंस। मैं तो करके रहूंगा। तो हमने, मैंने उनको बोला भाई ऑनलाइन करते हैं, तब ऑनलाइन करना कुछ हुआ नहीं था, अब ऑनलाइन तो काफी चीज है, तब मैंने बोला कि ऑनलाइन करते हैं भाई, ऑनलाइन कर देते हैं। तो हमने वो शो करा, ऑनलाइन करा, जूम पे करा, 2 मार्च 2020 में करा हमने, ऑडियंस भी आई थी, पेमेंट एक भी नहीं आया, पैसे 0 थे, बट ऑडियंस आई, फुटफॉल हुई, जो हम चाहते थे वो हुआ, सब अच्छा कुछ हो गया मार्च 2020 में, सब कुछ हो गया। अब इंटर्नशिप का टाइम आ गया, 4th सेमेस्टर में बच्चा आ गया, 5th सेमेस्टर से कंपनी आएंगी इंटर्नशिप के लिए। अब NSIT जैसे कॉलेज में तो दोस्त रहता है, कोडिंग कर, कॉलेज में चलता रहता है कोडिंग कर कोडिंग कर कोडिंग कर, दिमाग में कुछ नहीं है कोई, कोडिंग कर कोडिंग कर कोडिंग कर, ये करता रहता है, चलता रहता है, कॉन्स्टेंटली दिमाग में आता रहता है ये। तो मैंने उठाया कोडिंग, GFG लीड कोड करते हैं भाई, अब है ना स्टार्टअप तो पहली नया साइड में, आप कोडिंग भी करते हैं, दोनों चीज कर सकते हैं पैरेलली। तो मैंने ठीक कोडिंग करनी है। स्टार्ट करी, कोडिंग करनी स्टार्ट करी 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 करी। तो उस टाइम मैं बड़ा शाय बच्चा था, है ना, तो उस टाइम मुझे कॉलेज में ही एक लड़की से मिलने का मौका मिला, एक फ्रेंड के थ्रू, फोर्थ सेमेस्टर। फोर्थ सेमेस्टर में। हाँ, तब तक मैं मतलब ज्यादा शायर रहता था, लड़कों से बात करता था, फिर लड़की से, मतलब ऐसा था ना कि लड़की से बात कर ली कितनी बड़ी बात है, ऐसा लगता है लड़कों को कितनी बड़ी बात है भाई, ऐसी तो जिंदगी बन गई है ना, तब तक मैं ऐसा था। तो मेरी उससे ना बात हुई फरवरी 2020 में, लॉकडाउन से जस्ट 1 महीना पहले बात हुई, ठीक है, तो बात होते होते लॉकडाउन लग गया, ठीक है। तो हमने कोडिंग करी मिलके साथ में, कोडिंग करी 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 करी, तो मैं कोडिंग करते 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 प्लेसमेंट इंटर्नशिप सेशन स्टार्ट हो गया, ठीक अच्छा है, वो स्टार्टअप हमारा ब्राइट चल रहा था। कोडिंग में। हाँ, वो ब्राइट थी, है ना, तो स्टार्टअप मैं बताऊंगा, आगे बताऊंगा, नाम तो ऑब्वियसली नहीं दूंगा, पर बताऊंगा स्टोरी कहाँ जाए, कहाँ से कहाँ ले जाती है इंसान को, है ना, ये बड़ा काफी अच्छी स्टोरी है। तो उसने मुझे मतलब काफी वो किया, पहली पहली बार एक लड़का एक लड़की से बात कर रहा था, है ना, तो काफी उसको मजा आ रहा था, व्हाट्सएप चैट्स होती है, तो काफी मजा आ रहा था, मजा आ रहा था। तो उसने बात करी और कोडिंग वोडिंग उसने करवाई मेरी कि कोडिंग करो, इंटर्नशिप लो, है ना, मैं कोडिंग कर रहा था, मेरा मन नहीं लग रहा था, 0 मन लग रहा था मेरा, है ना, मजा नहीं आ रहा था कोड करने में बिल्कुल भी, एक है ना। तो एक पॉइंट आता लाइफ में, तो हम थे मार्च अप्रैल मई मई में थे हम, तो अब मुझे लगा कि ना स्टार्टअप भी, हम साइड साइड मीटिंग्स करते थे जूम पे, है ना, लोग आते थे, फुटफॉल होती थी, पर पैसा कुछ नहीं मिलता था, क्योंकि हम कुछ ऐसे बना नहीं पा रहे थे, लोग आते थे फ्री में हो जाते थे शो सारे। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर हमने एक कॉल ली, मैंने कॉल ली, मैंने बोला देख ऐसा है, पहले हम कुछ कर लेते हैं, इंटर्नशिप कर लेते हैं, कोई हायर स्टडीज से एग्जाम निकाल लेते हैं, शिलेश को बोला मैंने, उसके बाद करेंगे, तो अभी के लिए हम रोक देते हैं काम, ऑनलाइन बन नहीं रही, ऑफलाइन करेंगे, ऑफलाइन में हमारा बात बनेगी, हमें लगा कि ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है, तो हमने बंद कर दिया, हमने नहीं करा काम आगे। अब उसके बाद जुलाई आ गया, जुलाई 2020, ठीक है,
जुलाई 2020 में आने के बाद पहली कंपनी आई हमारे कॉलेज में इंटर्नशिप के लिए, तो मैं उसमें बैठा, एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ मेरे से, है ना, वो कोडिंग आउट होता है तो एक भी क्वेश्चन मेरे से नहीं हुआ, एक भी टच केस उसका नहीं चला, क्योंकि मुझे लग रहा था मैं सीख रहा हूँ पर मैं मजाक कर रहा था, नहीं नहीं सीख रहा था मन लगा के, है ना, नहीं निकला। अगली कंपनी आई, टेस्ट नहीं निकला। तीसरी कंपनी आई, टेस्ट निकल गया, इंटरव्यू इंटरव्यू हुआ, है ना, नाम बता देता हूँ, इंटरव्यू कंपनी का हुआ मेरा, टेक्सिस इंस्ट्रूमेंट्स की कंपनी है ना, तो उसका इंटरव्यू हुआ। अब मुझे लगा भाई अब अगस्त के महीने में मेरी इंटर्नशिप लग जाएगी, उसका तो मौज ही मौज है। तो मैं बैठा इंटरव्यू में, तो इंटरव्यू में बाहर हो गया, नहीं लगी मेरी, ठीक है। अब अगस्त 2020 चल रहा है, ठीक है, मैं कोडिंग कर रहा हूँ पिछले 6 महीने से, और आइडियली मुझे कोडिंग में इंटर्नशिप में जॉब लेनी चाहिए। तो मैंने कॉल ली सेप्टेम्बर फर्स्ट वीक में कि अब मैं इंटर्नशिप में नहीं बैठूंगा, है ना, और अब मैं करूंगा गेट की तैयारी। अब जो मेरा ड्रीम 11th 12th में रह गया था, अब मैं उस ड्रीम को पूरा करूंगा, मैं IIT पढ़ूंगा अब NSIT के बाद, है ना, मेरे दिमाग में ये था। ये सेकेंड ईयर में आपको पता चला कि आपको गेट की तैयारी करनी चाहिए, हाँ, थर्ड ईयर में, बल्कि थर्ड ईयर थर्ड में आ गए ईयर। थे, अच्छा, थर्ड ईयर की स्टार्टिंग थी। कूल कूल। बंदा कोडिंग कर रहा है, उसने निर्णय लिया कि मैं प्लेसमेंट इंटर्नशिप में नहीं बैठूंगा और मैं करूंगा अब वो गेट। गेट की तैयारी। तो मैंने प्लेसमेंट में कंपनी में बैठना छोड़ दिया, इंटर्नशिप में अच्छा, कंपनी में बैठना छोड़ दिया और तैयारी स्टार्ट करी गेट की। अब गेट की तैयारी ऐसे स्टार्ट करी कि मैं ना 11th 12th ना कोचिंग से बड़ा चिढ़ गया था, कि मुझे कोचिंग ना बिल्कुल अच्छा पसंद नहीं आ रही थी, बच्चे को परेशान करती है कोचिंग। तो मेरा था कि बस बिना कोचिंग के करेंगे और खुद के दम पे करेंगे, जितनी रैंक आएगी देखी जाएगी। तो मैंने कोचिंग नहीं ली, तो मैं सेल्फ स्टडी में लग गया, यूट्यूब के ट्यूटोरियल्स देखे। एक अपना चैनल आता है जी सेंट्रिक करके, चैनल है जो अब तो वो पेड भी कोर्सेज देते हैं, उस टाइम वो यूट्यूब पे कंटेंट डाल रहे थे अपना, तो मैंने वो देखना स्टार्ट करा। तो अब ऑनलाइन कॉलेज भी चल रहा है, कोविड में घर बैठे हैं, तो दिन में वो कॉलेज करता था, मैं सुबह उठ के पढ़ाई करता था, मतलब मैं ग्रेट। 4 बजे उठता हूँ तो 4 बजे उठ के पढ़ाई करता था, मैं रात को जल्दी सो जाता था, 9-10 बजे, 4 बजे उठ के पढ़ाई करता था। पढ़ाई करते 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 मैंने कराई, खुद सेल्फ स्टडी करी, कुछ नहीं करा इस बार ना, स्टार्टअप में कुछ कर रहा हूँ, शेयर कुछ नहीं चला रहा, सब होल्ड पे है, इंटर्नशिप में बैठना छोड़ चुका हूँ मैं, मतलब कहते हैं ना एल लग गए हैं, मतलब है ना, दिक्कत हो गई है। तो एग्जाम का दिन आया 6 फरवरी 2021, गेट अच्छा, एग्जाम का थर्ड गेट ईयर में था, एग्जाम मैं थर्ड थर्ड ईयर ईयर में था, में। सिक्स सेमेस्टर का बच्चा था मैं। तो ओके ओके। मेरा गेट एग्जाम आया, तो मैं बड़ा डर रहा था भाई क्या होगा, इंटर्नशिप भी छोड़ चुके हैं, पता नहीं क्या रैंक वैंक आएगी। तो मैं डरते डरते गया, पापा मम्मी से बोला, दोस्तों से बोला, यार आ जाएगी ना कुछ अच्छी रैंक आ जाएगी ना, कुछ हो जाएगा ना मेरा। तो डरते डरते मैं एग्जाम सेंटर में गया, तो एग्जाम सेंटर में गया, तो वहां पर मैं बैठ के दिया एग्जाम, तो मेरा एग्जाम अच्छा हुआ काफी, मतलब मैंने मतलब जितना सोचा था उसके हिसाब से क्वेश्चन बना दिए, एक दो छोड़ के, इतनी पढ़ाई मैंने करी उस हिसाब से बन गए मेरे क्वेश्चन। तो मैं घर आया, मम्मी मम्मी कैसे, मैंने बहुत अच्छा हुआ, मजा आ गया, अब तो इस बार तो IIT के अंदर घुसेंगे डायरेक्ट, रॉयल एंट्री, चश्मा वश्मा लगा के रॉयल एंट्री करेंगे, है ना, बड़ा खुश था मैं। तो फिर मैं आ गया, फिर 6 फरवरी 2021 को मैं एग्जाम दे के आया हूँ, 2 बजे घर पर मैंने हाँ, लंच करा, 3 बजे मैंने बोला अब शेख जिया रिवाइव करी जाएगी, आज से हो गई गेट बना लिया, हायर स्टडी का प्रोग्राम अब शेख जिया से रिवाइव होगी दोबारा। अच्छा, उस वक्त क्या हुआ, मेरे कुछ दोस्तों ने मेरा साथ छोड़ दिया कि हम नहीं करना चाहते, हम अपने करियर पे फोकस करना चाहते हैं, तो हम नहीं करेंगे इसको। तो मैंने सोचा भाई इतना मेहनत करी थी, पिच विच करी थी, इसको नहीं छोड़ेंगे। मैंने बोला शेख जियर को हम एक सोसाइटी बनाएंगे, कॉलेज में सोसाइटीज होती है ना, उसको क्लब सोसाइटी सोसाइटी। बनाएंगे, सोसाइटी बनाएंगे। तो श्रीयश मेरे साथ था, हाँ बनाते हैं भाई, वो हमेशा मेरे साथ रहता है। तो हमने सोसाइटी बनानी स्टार्ट करी फरवरी में, एग्जाम गेट देने के बाद मैंने, मार्च में रिजल्ट आ गया गेट का, है ना, मेरी रैंक आई 916 रैंक आई मेरी, जो अच्छी होती है काफी। तो घर वाले बड़े खुश हो गए, घर वाले काफी खुश हो गए कि बेटा 916 रैंक वेरी डिसेंट, मैं बड़ा खुश हो गया, अब तो भाई रॉयल एंट्री करेंगे IIT में, मतलब लगता है ना इंसान को अब तो कुछ नहीं जो होती है, तो स्टार्टअप बनाएंगे रॉयल एंट्री करेंगे IIT में, क्या हो गया, है ना। तो मार्च में आया रिजल्ट, ठीक है, तो हमने स्टार्ट सोसाइटी बनानी शुरू कर दी शेख जियर को, ठीक है, कर रहे हैं मीटिंग कर रहे हैं। अब मैं सोसाइटी की तरफ शिफ्ट हो गया हूँ, मैंने कोडिंग करनी छोड़ चुका हूँ, मैं गेट की तैयारी करनी छोड़ चुका हूँ, मैं सोसाइटी बना रहा हूँ प्रॉपर, स्टार्टअप टाइप बना रहा हूँ एक। तो मैंने सोसाइटी बनाई, करते 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 6 सेमेस्टर मेरा निकल गया, और सोसाइटी बनाने में मुझे काफी अच्छा लगा, मतलब मुझे लगा कि मेरे लिए ये काम बना हुआ, पहली बार मुझे जिंदगी में लगा कि मैं ये जो बिल्ड कर रहा हूँ ये मैं दिल से कर रहा हूँ। और हाँ एक चीज और बताता हूँ, मुझे गेट देने के बाद भी वो हिट नहीं आई, किक नहीं मिली अभी तक, अब गेट से मन हट गया था ना, कि अब क्या हो रहा है कि सोसाइटी में मन और लग रहा बड़ा। है, अब गेट भी, हाँ अब गेट भी है, ठीक है देखा जाएगा। मुझे पता लगा था कि गेट का 3 साल तक होता है वैलिड, मतलब हमने 21 में दिया है, तो यू कैन टेक एडमिशन टिल 24, 3 साल वैलिड होता है। तो मुझे था इसको होल्ड पे डालते हैं, कुछ और करते हैं। तो मैंने स्टार्टअप बनाना शुरू करा, तो स्टार्टअप बनाते बनाते ना मेरे दिन में एक दिन दिमाग में आया, अप्रैल 2021 में लॉकडाउन था, है ना, मुझे फीवर हो रखा था, शायद कोविड हो गया था, टेस्ट मैंने नहीं कराया, मुझे फीवर हो रखा था। तो मेरे दिमाग में आया मैंने ना कोडिंग भी कर रखी थी, वो भी पीछे छूट गई है यार, है ना, तो उसको ना प्लेसमेंट आ रहा है NSIIT में, बम्पर अच्छा, प्लेसमेंट होता है, उसको रिवाइव करा जाता है, रिवाइव में मतलब ऐसा इंसान हो कि मतलब उसको दोबारा लाते हैं लाइफ में अपनी कोडिंग को।
तो मैंने सोचा ठीक है, दो चीज तो मैं हमेशा करता हूँ, अब मैं कोडिंग करूंगा, स्टार्ट करूंगा। तो मैंने कोडिंग दोबारा निकाली, अपने नोट्स वोट्स निकाले पुराने वाले 2020 वाले, सारे पढ़ने स्टार्ट कर दिए। अब स्टार्टअप बनाया जा रहा हूँ मैं, है ना। तो बाय गॉड ग्रेस हमारा स्टार्टअप, सॉरी सोसाइटी या स्टार्टअप कुछ ही बोल लो, हमने काफी अच्छा बना दिया। आज भी चल रहा है वो शेखजर के नाम से, शेखजर इंस्टीट्यूट में देखोगे अब तो वो काफी ग्रो हो गया है। वी हैव मतलब 1.5 या 1.6 के फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे हो गए हमारे, काफी मतलब रीच आती है, 1-1 मिलियन वीडियोज के व्यूज चले जाते हैं, मतलब काफी अच्छा लगता है ना, काफी ग्रो हो गया। तो मैंने कोडिंग कर रहा हूँ, स्टार्टअप बना रहा हूँ, सोसाइटी बना रहा हूँ, करते 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 प्लेसमेंट सेशन आ गया। मैं फोर्थ सेवन्थ सेमेस्टर में आ गया, अगस्त 2021, फोर्थ सेमेस्टर, एट सेमेस्टर में आ, सेवन सेमेस्टर में आ गया मैं, सॉरी। और कंपनी आनी स्टार्ट हो गई है, अब मैं बैठ रहा हूँ दोबारा कंपनी। अब तो इस बार तैयारी थोड़ी बेटर थी पिछली बार से, पर इतनी बेटर नहीं थी कि इंटरव्यू निकल जाए, नहीं निकल रहे थे इस बार भी, मतलब बाहर जा रहा था इंटरव्यू वगैरह में, है ना। ऐसे करते करते आई वॉज लाइक सेवन सेमेस्टर में झूल रहा हूँ, मैं मेट्रो में इंटरव्यू दे रहा हूँ, सोसाइटी की मीट करने जा रहा हूँ, शोज कराने जा रहा हूँ मेट्रो में, कहीं कहीं जो मैं करंट कंपनी में हूँ उसका इंटरव्यू मैंने मेट्रो में दिया है ना, मेट्रो में इंटरव्यू दे रहा हूँ। ऐसे करते 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 मेरी प्लेसमेंट लग गई एक डिसेंट सॉफ्टवेयर कंपनी में, ठीक है। अब मैं प्लेस हो गया, स्टार्टअप काफी कूल बन, काफी मतलब कूल सोसाइटी बन गई है, काफी लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं कि आपने कैसे बनाई, मतलब आप काफी फाउंडर का टैग मिला एक, है ना। उस पर शार्क टैंक कुछ नहीं था, शार्क टैंक बाद में आया, हमने पहले कर लिया कुछ, है ना। तो फाउंडर का टैग मिला, अच्छा लगा काफी। फिर जनवरी आ गया, एट सेमेस्टर आ गया, ठीक है, प्लेसमेंट लग चुकी है, गेट निकल चुका है, आईआईटी निकल चुकी है, कंपनी बन चुकी है, एक सोसाइटी टाइप बन चुकी है ना, जिसके अच्छे फॉलोअर्स हैं, सब कुछ बन चुका है। अब जनवरी में हम एट सेमेस्टर में आ गए हैं, अब काफी डिसेंट हो गया। अब मन में ये था कि अब सब कुछ हो गया जनवरी में, अब मन में ये था कि इनको ना, अब मेरे मन में ये था कि मेरे पास तीन चीजें हैं, देखे आ रहा बोल, मैंने सोचा मेरे पास तीन चीजें, मेरे पास गेट है, मैं आईआईटी पढ़ सकता हूँ, मैं प्लेसमेंट में सॉफ्टवेयर में जा सकता हूँ जहाँ पे अच्छा पैसा मिलता है, पैकेज अच्छा होता है, और मैं जो शेखजर बनाई है उसको ग्रो कर सकता हूँ। हाँ, शेखजर में हमने कमाई भी थे, हम अब हमने पैसे कमाने शुरू कर दिए थे शेखजर में, ऑफलाइन इवेंट्स में हाँ ऑफलाइन इवेंट्स में। तो हमने शेखजर मेरे टेनोग्राम 40-50 हज़ार रुपये कमा लिए थे, शोज कर करके या फिर वो कर करके, टिकटिंग विकेटिंग कर करके कमा लिए थे हमने। तो मेरे मन में डिलेमा था कि क्या करें क्या करें क्या करें। तो ऐसे करते करते समय बीता, शेखजर ग्रो हुई, वो ग्रो हुई, तो ऐसे करते करते मैं पास आउट हो गया, ठीक है, एट सेमेस्टर बाहर आ गया मैं, कॉलेज से पास आउट हो गया। तो मेरे जो पापा है वो भी बिजनेसमैन है, ठीक है। अब मेरे मन में आया कि भाई देखो, काफी लोगों को लगेगा ये अनस्टेबल इंसान है, काफी चीजें बदल रहा है, पर इस एज में नहीं करना चाहिए। मैं सबको एडवाइस करूंगा रिस्क लेनी कि चाहिए। इस एज में 10 चीजें बदलोगे को फर्क नहीं पड़ेगा, पर अगर तुम 30 साल के 35 साल के वहां चीजें बदलोगे तो बहुत फर्क पड़ेगा, तुम्हारे घर को भी, तुम्हारे बैकग्राउंड को। पर मेरे आगे पीछे नहीं है कोई, मैं मम्मी पापा के साथ रहता हूँ, उनको खाना, उनसे खाना खाता हूँ, उनके घर में रहता हूँ, तो मुझे ऐसा कोई लोड नहीं है कि मैं 10 काम बदल दूँ इस एज में, है ना। पर अगर दिल की मिल गई चीज़ तो बहुत मजा आएगा, वो तो ट्राई करते रहना चाहिए, ठीक है। तो मैं मई में अपने पापा का बिजनेस मैंने ज्वाइन किया, ठीक है। अच्छा अभी तक श्योर नहीं है कि नौकरी ज्वाइन करूंगा, कि कुछ श्योर नहीं है, मतलब दिख नहीं रहा गया कुछ रास्ता, बस कर लिया बिजनेस ज्वाइन कर लिया पापा का मई 2020 में, पापा के साथ जा रहे हैं, है ना, 2-3 महीने पापा के साथ काम किया। फिर जुलाई आ गया, जुलाई आने के बाद जुलाई आ गया, जुलाई मेरी ज्वाइनिंग थी जिस करंट कंपनी में अभी मैं हूँ। तो मेरे मन में ये आया यार कि अब कंपनी है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री काफी अपनी इंडिया में अच्छी चलती है, पैसा अच्छा मिलता है ना, मतलब मिल जाता है 1 नैनो पर मंथ मिल जाती है ना, तो काफी अच्छा पैसा है। तो मेरे मन में थोड़ा मतलब लालच खेल, और फिर एक नए बच्चे के मतलब इतना पैसा मिलेगा, तो मैंने डिसाइड करके अब मैं नौकरी ज्वाइन कर रहा हूँ। तो मैंने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली जुलाई में, है ना। तो अब मैं जनवरी में हूँ, तो अभी मेरे पास मेरा कॉलेज में शेखजर चल रही है, हमारे जूनियर चला रहे हैं, उसको इवेंट्स में जाता रहता है, इवेंट्स में बुलाते हैं, मुझे काफी अच्छा लगता है। गेट अभी स्टिल पेंडिंग है, अब मेरे से तुम पूछोगे कि तुम आईआईटी में एडमिशन लोगे कि नहीं लोगे, वो अभी तक मेरे पास डार्क है, वो डार्क है, पर मेरे पास ये साल आखिरी है एडमिशन लेने के लिए, अगर अभी नहीं लिया तो फिर वो बेकार हो ट्वेंटी जाएगा, फोर अच्छा 23 तक एडमिशन ले सकते हैं, 23 तक ले सकते हैं। तो वो बेकार हो जाएगा। और थर्ड जो जॉब है वो तो मैं कर ही रहा हूँ, तो अभी भी तुम, मैं ये कहूंगा कि अभी भी आई एम नॉट सेटल्ड, मैं अभी भी ये भी चेंज कर सकता हूँ, है ना, करना भी चाहिए। आई एम करेंटली 22 ईयर्स ओल्ड, तो 22 ईयर्स ओल्ड काफी कम एज है, तो अभी मैं चेंज करूंगा। तो वो कहते हैं ना फिल्म में डायलॉग, कहते हैं जब 60-70 ईयर्स के बेड पे लेटे होंगे तो दुख नहीं होगा कि हमने ये नहीं करा था, वो वाला दुख नहीं होगा बिल्कुल भी मुझे। तो ये थी मेरी स्टोरी। आपकी इतनी वेल मेंटेन्ड सारे सेमेस्टर्स का बताया आपने, मतलब आपसे सीख मिल सकती है कि कैसे हम रिस्क ले सकते हैं। इतनी अर्ली एज में हमें रिस्क लेने से नहीं डरना चाहिए। अब जैसे आप उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहोगे जो अभी फेब्रवरी में, जो फेब्रवरी की फर्स्ट सेकेंड वीक में जिनके गेट का एग्ज़ाम है। हाँ यार, मैं उन बच्चों को ना ये कहना चाहूंगा कि ना जो गेट का एग्जाम है, काफी प्रेस्टिजियस एग्जाम है हमारी कंट्री का, तो गेट के एग्जाम का ना एक बड़ा पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया, बड़ा अच्छा तरीका है गेट के एग्जाम के लिए, कि तुम्हें ना मतलब हर टाइप के, जे एडवांस की तरह होता है गेट अब, है ना, जे एडवांस के नंबर भी आते हैं, वो भी आते हैं,
न्यूमेरिकल भी आते हैं, सब आते हैं। तो प्रिपरेशन करो, स्टडी हार्ड करो। और सॉरी यार, मुझे ना कोल्ड हो रहा है थोड़ा, कोई नहीं कोई नहीं, एडिट तुम कट कर देना ठीक है, एडिटिंग में हाँ जी ये जी में डाल देना यार तुम। हाँ तो मैं ये बोलूंगा कि तुम तैयारी करो। और मैं एक एडवाइस, मैंने एक सी कॉल ली है कि कोचिंग सेंटर से ना, मैं भले ही बहुत चिढ़ता था, मैंने बोला अभी 11 12 बार, कोचिंग सेंटर ना तुम्हें, अगर तुम्हें सही कोचिंग मिल जाए, सही टीचर मिल जाए ना, तो काफी तुम बेटर कर सकते हो। सेल्फ स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो एक, हाँ मैं एक इंपॉर्टेंट सीख देना चाहूंगा, सेल्फ स्टडी, लोग कहते हैं कि सेल्फ स्टडी से होगा कि कोचिंग लेनी पड़ेगी, हर एग्जाम के लिए ट्रू है, यूपीएससी हो, जेई हो, नीट हो। अब देखो ऐसा है कि सेल्फ स्टडी भी बहुत बढ़िया चीज है, पर सेल्फ स्टडी ना तुम्हारा ज्यादा टाइम ले जाएगी। सपोज तुम्हारे पास 8 महीने का टारगेट है कि मुझे 8 महीने में गेट निकालना, तो तुम 8 महीने में सेल्फ स्टडी से गेट नहीं निकाल सकते, या फिर कोई भी एग्जाम नहीं निकाल सकते। अगर तुम्हें टाइम स्पेंड तुम्हारे पास कम है, तो तुम्हें कोचिंग में एनरोल करना ही पड़ेगा। मैं किसी कोचिंग को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई कोचिंग सेंटर नहीं चलाता हूँ, पर मैं अपने लाइफ एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। अगर टाइम स्पेंड तुम्हारे पास कम है, तो कोचिंग में तुम्हें एनरोल करना पड़ेगा ठीक है, या ऑनलाइन लो, ऑफलाइन लो, ऑफलाइन इज मच बेटर देन ऑनलाइन। और अगर टाइम स्पेंड बहुत ज्यादा है कि फोर्थ ईयर में गेट देना है, फर्स्ट ईयर में, तो फिर सेल्फ स्टडी इज बेस्ट। सेल्फ स्टडी से कुछ अच्छी चीज नहीं है, उसमें टाइम तुम्हारा ज्यादा लग जाएगा है ना, तुम्हें रिसर्च खुद करनी पड़ेगी, सब कुछ खुद करना पड़ेगा। बाकी ना कंसिस्टेंसी की होती है किसी भी चीज में, अगर तुम कंसिस्टेंट हो तो तुम मिट्टी भी बेच सकते हो, पर तुम्हें कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। एक खावत होती है बिजनेस में, खावत कहते हैं कि तुम्हारे पास 1 साल बाद ना 1 रुपया आता है। अगर तुमको बिजनेस बनाओगे ना, तो 1 साल बाद अगर 1 रुपये नहीं आया तो तुम बंद कर दो। 1 साल बाद अगर 1 रुपया आ गया, लिटरली 1 ही रुपये बोल रहा हूँ मैं, ये मैं ये नहीं कह रहा कुछ, ये तो तुम सही कर रहे हो। 1 साल तक कुछ नहीं होता किसी भी चीज में, 1 साल हर चीज को लगता है। तुम उसको, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम 6 7 महीने में कर दोगे। 6 7 महीने तो हर चीज में लगता है ग्रो करने में, तुम 3 महीने की प्रिपरेशन नहीं निकाल सकते है ना। तो कंसिस्टेंसी की है, रोज करो, रोज करो। कभी कभी तबीयत भी खराब हो जाती है, जुकाम हो जाता है, बुखार हो जाता है ठीक है, बट मुझे करना है तो रोज करना है, 1 घंटा तो एटलीस्ट रोज करो। और तुम रोज करते करते तुम्हारा एग्जाम आ जाएगा, तुम एग्जाम क्रैक भी कर लोगे, रैंक भी आ जाएगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। या एक चीज पूछना चाहूंगा मैं, आपने इतने रिस्क जी लिए अपने मतलब कॉलेज सेशंस में, आपके पेरेंट्स वगैरह ने कुछ मतलब बोला नहीं, मना नहीं करा इतना सब हाँ, एफर्ट ये लगा बड़ी के? बढ़िया। मैं पेरेंट्स को ना बताता नहीं था यार, मैंने उनको अच्छा कभी नहीं बताया कुछ। मतलब मैं बताता था पहले, जब मैंने यूट्यूब करा तो मैंने उनको बताया था, तो मुझे पता लगा कि यहाँ से सपोर्ट नहीं है, तो फिर मैंने हाँ उनको करेक्ट करेक्ट। बताना छोड़ दिया था, मैं खुद ही लेता रहता था। ओके भैया, आपकी मतलब जर्नी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए, मतलब पता चला कि ऐसे लोग भी एग्जिस्ट है, करते हैं। तो अभी मैं मुझे आपके साथ ऑफलाइन कनेक्ट होऊंगा, एंड थैंक यू फॉर दिस ना फाइनल पॉडकास्ट। बात, एक बात और बोलनी है। कॉलेज में ना काफी कुछ चलता है कि हम कोर करें, टेक करें कि नॉन टेक करें, ये बहुत चलता है कि हम क्या करें, समझ नहीं आ रहा है ना। तुम मेरे एग्जांपल ले सकते हो, मैंने तो तीनों कर लिया, नॉन टेक में अपनी सोसाइटी बना दी, टेक में प्लेसमेंट ले ली, कोर में गेट कर लिया। तो यही है ना, मतलब तुम सब सब भी कर सकते हो यार। और ना डार्क दिखेगा तुम्हें, तुम कभी भी ये नहीं कर सकते कि मुझे क्या करना है, कोई नहीं बता सकता ये, तुम्हें घुस के देखना पड़ेगा। जैसे मैं घुसा जाऊंगा, मैं कोर में घुसा मुझे नहीं लगा मन, मैं टेक में घुसा मुझे नहीं लगा मन, मैंने स्टार्टअप बनाया मुझे नहीं लगा मन, तुम्हें घुस के ही देखना पड़ेगा। यही रीजन है, यही यही एक की है। तुम नहीं पता लगा सकते कि तुम्हें टेक करना है नॉन टेक, जो एडवाइस करता है ना कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है, गलत है, तुम नहीं कर सकते पता, तुम्हें एक्सप्लोर करना पड़ेगा। बस यही था। ओके मूलविया, मतलब थैंक यू फॉर दिस पॉडकास्ट, बहुत बढ़िया आपकी जर्नी रही, और सारे गेट एस्पिरेंट्स को भी बेस्ट ऑफ लक फॉर यू ऑल।